रेड मिर्चा तो देख के डर लग गया हमको। बड़ा एक ठू मारा था। उसके बाद में मिर्ची को लास्ट में लेके कूट के खाना पड़ेगा। तो एक काटने के लिए कुछ लाया नहीं मछली। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से ब्लॉग में। एंड आज है संडे और आज के दिन में वैसे हम लोगों का एक प्लानिंग था कि पिकनिक करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, बट वो प्लान कैंसिल हो गया। फिलहाल और एक दोस्त ने कॉल किया और कहा है कि चलो आज चलते हैं फिशिंग करने के लिए। बट मुझे ना एक चीज का थोड़ा सा अफसोस लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ फिशिंग वगैरह करने के लिए ना, मुझे कभी भी नहीं मिलता। बट आज देखते हैं वो दोस्त लोग जा रहे हैं, उन लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट भी है ऑफ होले की, कुछ हमें मिल जाए ऐसा कि आपको दिखा पाए। बट सकीना सबीरा जब भी जाती है ना मेरे साथ तो उनको प्रॉन्स मछली हमेशा मिल ही जाता है, बट मेरा ही बेट लग है। बट कोई नहीं, आज हम पूरा फुल ट्राई करेंगे कि कम से कम आपको कुछ तो दिखाने के लिए एक नहीं मछली तो पकड़ ही ले। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है अपना सामान। तो ये है अपना तीर जिससे में हम झींगा पकड़ते हैं, और ये चश्मा जिसको पहन के डुबकी लगाते हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। ये लोकल देसी जुगाड़ चलो कुछ ऐसे है। ये है ट्यूब का, और ये लोहा, और ये ग्लास, और इसमें कुछ ग्लो समथिंग कुछ लगा कर रखते हैं। अब ये क्या है एक्चुअली नहीं पता। तो ये सब लेके जाएंगे, और आज जो हम लोग फिशिंग करने वाले वो अपने घर के पास वाले नदी में नहीं, थोड़ा सा दूर जाएंगे। अब कौन सी जगह ये मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि मेदू के आसपास अराउंड 10 किलोमीटर करीब में डिस्टेंस में। तो अब ज़्यादा बातचीत नहीं करते, चलते हैं यहाँ से मेदू की तरफ। इसमें मैंने कुछ कपड़े वगैरह भी ले लिया क्योंकि वहाँ पर जाऊँगा नदी में तो पानी के अंदर घुसना पड़ेगा, और ठंडा भी है तो नहाने के लिए फिर मतलब कपड़ा तो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं कपड़ा वगैरह सब ले लिया। तो अब चलते हैं यहाँ से मेदू की तरफ। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मेदू में, एंड फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी साहिल के दोस्त के घर पे, और उसके साथ हम लोग कौन सा नदी जाएंगे कुछ आइडिया है अभी तो पता नहीं है फिलहाल किधर जाएगा बोलेगा। एंड गाइस एक चीज मैं बता दो, अभी हम लोग जो रास्ते से आ रहे थे ना वो रास्ता क्या ही खूबसूरत था, हमारे दोनों साइड में ना एकदम प्यारा सा गार्डन था। फिलहाल और भी आ रहा है और आपको दिखाते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस, इधर देखो। तो अभी हम लोग ये कितना दूर जाएगा, यही है पत्ता कट गया ना, पर ये वाला तो है अभी भी कितना मस्त लग रहा है। तो दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी मार्च में तो लोग का पत्ता चाहिए ना, सबको उड़ा देगा तो पत्ता कहाँ से मिलेगा मार्च में। ओके तो गाइस मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमने देखो और दो तीन एक्स्ट्रा तीर ऐड किए है, और ये लंबा वाला जो देख रहे हो ना स्पेशली मछली मारने के लिए, और मैं जो लिया हूँ झींगा मारने के लिए। देखते हैं कि आज कितना कितना पकड़ लेगा हम लोग। अभी तो नहीं बोल सकेगा रे भाई, पहुंच गए। पता नहीं कौन सा जगह है, नाम कुछ पता। मेदू पकड़ लेगा, वाह क्या मस्त घर है भाई, इधर देखो पूरा बम्बू से बनाया हुआ है, पर कितना मस्त लग रहा है। छोटा सा गार्डन, मुर्गी देखो उधर पे, और यहाँ पर मुर्गी के बच्चे वगैरह, वाह। अच्छा उधर चर्च भी है यहाँ पर, ठीक है भाई सही जगह है, इधर शांत लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। वाह भाई साहिल का साथ रह के कुछ तो देखने को मिला, नहीं से इतना अंदर आने का तो कभी सोच भी नहीं सकते हम। इधर नहीं आया था ना हम लोग, दूसरा वो जगह गया था। कैसा है रो? मेरा मामा का मामी गया था। और यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर, शंकर भगवान और उसके बाद गणेश जी लक्ष्मी जी का मूर्ति रख के बनाया हुआ है, मस्त। वाह व्हाट अ लवली। ये फेंकने वाला जाल है ना, इसको मामा बनाने जानता है तो इसे गाठी लोग देखो ना, हम सीखेगा बोला था। हाँ। इसको गाठी मारने में मेरा माथा घूम गया, और इसमें ना मछली भी बहुत मस्त। अरे फंस गया मछली, मछली का जगह निकला। वाह ये वाला भी लेके जाएगा क्या? नहीं नहीं इसको लेके जाएगा, इसको तो फेंकने के लिए भी बहुत दिक्कत लगता है ना। इसको रख दो। के छुआ क्या रकम है, क्या रकम है? वाह गोटी खेले थे, गोटी गोटी खेले थे। वाह ये है हम लोगों का बचपन, बचपन में हम लोग ऐसे ही खेलते थे। ओए कौन अच्छा एम लगाता है, एम कौन अच्छा लगा, लगाओ लगाओ ठीक। वाह हीरो तो पूरा एक्सपर्ट है, लगा भी उतना दूर का लगाएगा। ओ खेल खेल रहे हैं लोग, चलो इन लोग का गेम खेलने दो। हम लोग का बचपन वही तो हम लोग का बचपन। तो अभी हम लोग चलते हैं बाजार में, जो शख्स के साथ हमें जाना था वो गया यहाँ पर संडे बाजार में, तो उसको लेकर आते हैं सबसे पहले, उसके बाद जाएंगे यहाँ से फिशिंग करने के लिए। Ha ha ha!
अभी दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से नदी की और जाने के लिए। आप कौन से जगह जा रहे हैं एक्चुअली में मुझे नहीं पता, बट हम लोग जिस बाइक से आए थे उस बाइक को छोड़ के अभी साइकिल लेके जा रहे हैं। राइट की लेफ्ट 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 ना, चलो गाइस। और ये साइकिल चलाने के बाद मुझे एक गाना याद आया, अखोमिया गाना याद आ रहा तुमको? पैदल मारी मारी ओ मारी 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 ओ मोए मास मारी ना एनिमेशन कर दे, क्लिक कर दे यार। जोड़ दो। तो अभी हम लोग टोटल है कितने, 3 लोग हैं। और अभी कितना दूर जाना पड़ेगा कुछ आइडिया नहीं है, बस मजा आ रहा है साइकिल चला के काफी दिनों बाद। चलो मजा आ रहा है, पर भाई फर्स्ट टाइम जब साइकिल चला रहा था ना अभी, तो उसका पूरा वाइब्रेट करने लग गया था, हाथ हाथ हिलने लग गया था मेरा। मजा आ रहा है इतना, भाल लगी सीधे भाल लगी से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, और कौन सा जगह एग्जैक्ट नहीं पता, बस मुझे एक चीज पता है, यहाँ पर एक छोटा प्यारा सा एक डैम है। तो मेरे साथ मैं हूँ और मेरा ये तीर वगैरह है, और हमारे साथ एक सुपरमैन आया मछली मारने के लिए, और एक टू हाफ पैंट में कौन सा हीरो होता है नहीं पता, बट मैंने स्पेशल इनवाइट किया है सुपरमैन को। आप देखते हैं सुपरमैन सुनने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है मछली मारने के लिए। एंड अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ में, एंड होपफुली कि कुछ आपको मार के दिखाएंगे। और एक चीज बताता हूँ गाइस, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा मुझे तो अभी से डर लग रहा है पानी में घुसने के लिए। हम तो सोच रहा था कि हाफ पेंट खोल दे, पेंट खोल देगा क्या, ऐसे सोच रहा था। इसमें तो हमको झींगा दिखेगा ही नहीं, हमको तो झींगा झींगा दिखेगा नहीं, हम तो झींगा वाला लिखा है ना। अच्छा है उसमें बामी उमी मारने सकेगा मेरे। महाकुशो में कितना पानी है, पानी ज्यादा है क्या, घेरा है वो वहां, हम नहीं जाएंगे उधर भाई साहब, ठंडा ठंडा। पता चला सुपरमैन अंदर गया, उसके बाद वहां से अजगर निकल के आया भाग। और ये सब जो मेटका देख रहे हो ना गाइस, इसके अंदर में ना मोस्टली झींगा मिलने का बहुत चांसेस होता है। यहाँ का नहीं पता, पर मेरे घर तरफ में ना इसके नीचे में ना झींगा मिल जाते थे, मिलता है इधर थोड़ा कम है, ठीक है रे, पानी शांत है। हाँ झींगा ढूंढना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। हमारा सुपरमैन इज गेटिंग रेडी फॉर फिशिंग। पानी गंदा है कि सफा है, कुछ पता चल रहा है? थोड़ा सा गंदा है। चलो भाई हम तुम लोग का रिएक्शन कैमरा लेंगे, आगे बढ़ो भाई, ऐसा बोल रहा है कि सही से क्यों ऐसे देख देख के जाके अंदर डुबकी मार के, यहाँ पे पूरा गहरा है, देख देख के जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है। गला इशारा कर रहे जाएगा, गया भाई ये अंदर उसके नीचे देखने के लिए, और ये गया इधर भाई। ये सबके बस का नहीं है, मेरे बस के तो और नहीं है। सुपरमैन भेरी नहीं हो रहा है, और ये तो कहाँ निकल गया, अंदर घुस गया। आपका चश्मा दो तो लीजिए, चेक करेगा ये पकड़। क्या हुआ, दिखाया तो नीला था, है खाली तीर मिस चला गया, तो पानी घुस गया चश्मा में। मेरा ये चश्मा भी पूरा पानी घुस गया। अच्छा साफ तो था, ये जगह में ज्यादा मछली है। कौन सा तुम्हें, पेड़ का नीचे तो होगा ना, गहरा है ना, खड़ा होने का ऑप्शन ही नहीं है वहाँ। ये कहाँ गया भाई, वो अंदर गया। देखिए कितना बड़ा, एक बार अच्छे से दिखाइए, ओ देखो भाई पहला जत्रा। चलो भाई अच्छे से पकड़ लेते हैं, एक काम तो आया किरविक। साहिल अपना नाम मत खराब करना तुम भाई, एक मछली मिला एकदम मस्त वाला, सुपरमैन काम का है,
काश पानी के अंदर हम भी दिखा पाता, मजा आता आप लोगों को, पर थोड़ा सा डर लगता है मुझे क्योंकि भाई अपना फोन इतना कीमती वाला है। ओ ये गया फिर से, अब तो यहाँ पर तो आपको दिखाई नहीं पाएंगे क्योंकि पूरा ये मेटका बोलते हैं हम लोग, पूरा मेटका भरती हुआ इसी के नीचे से मार के लेके आएगा अगर मिलेगा तो। मुश्किल है बट हलचल हो रहा है, मिलेगा मछली। ओ पाले पाले, ओ माय गॉड, इससे बड़ा है क्या? कोको कोको भाई साहब, स्पाइडरमैन और नहीं सुपरमैन लेकर आ रहा मछली। भाई एक काम तो आ रहा है, मैं झींगा नहीं मार पा रहा क्योंकि ना ये सब झींगा यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है। बट अच्छा से हम इधर से जाएगा, तुम उधर से आना, खाली हमको देखना, हम तुमको देखेगा। हाँ बस पैर में देख के मत मार देना इसका मछली बोल के। यहाँ से तो घुसा था वो, दो तीन बार घुसा है वो, वो रास्ता देखा ना, हमने देखा। और इसके अंदर जाना भाई बहुत रिस्की है, बट स्टिल दे आर डूइंग, और पकड़ के दिखाया। बस साहिल एक बार तुम अपना नाम मत खराब करो, इतना स्पेशल तीर लेके आया था ये। अरे हमारे सुपरमैन, अरे गो लेके आइल बड़न भाई, सुपरमैन ने तीन पकड़ लिया। अच्छा से रख दे ना, पकड़ करके पकड़ 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 पकड़, बस 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 बस, थैंक यू सो मच। हाँ तीन हो गया भाई, तीन लोगों के लिए एक एक हो गया। पेट डायरेक्ट अंदर चला, ओ माँ साइड से जाना पड़ेगा। भाई सारा का सारा हमारा सुपरमैन मार रहे साहिल, अरे एकटा मारी ले मारो रे सुपरमैन चोटी वाला। सुपरमैन स्पेशल हायर फॉर फिशिंग। अभी थोड़ा सा रेस कर रहे हैं, और फिलहाल देखो हम लोगों ने टोटल चार मछली पकड़े, चारे को चारे सुपरमैन ने पकड़ा। और सबसे बड़ा ये है ना, ये इससे बड़ा था, इतना मोटा था, हम मारा था ना जो ऐसे जगह में लग गया ना, इसलिए ऐसे घूमता नहीं, ये मारने लगने से टूटी गया घंटा, मेरा मन खराब हो गया। अरे अरे पूरा स्लिप हो रहा है, इसका कहां में मारा तुम? ये गर्द ये यहां पर लगा हुआ है, टूट जाता है, अब बारी है इस मछली को यहाँ पर पकाने का। तो हमने पूरा पहले से प्लानिंग करके आया था कि कितने भी मछली मिलेंगे उसको मस्त से वहीं पर पका के खाएं। कीड़ा है ना ये सब, मुर्गी ना बहुत मजे से खाता है, इसके छोटे छोटे वाला कीड़ा दीमक। और अभी चार मछली है, हम लोग टोटल तीन लोग है, तो अभी यहाँ पर हम लोग पकाएंगे, यही पे खाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि शायद फिर मार भी सकते हैं यहाँ वगैरह तो। पर ना मुझे एक चीज का अफसोस लग रहा है कि मैंने एक भी झींगा नहीं मार पाया, क्योंकि ये पानी में मुझे ना बिल्कुल अंदाजा नहीं मिल रहा कि होगा तो कहाँ होगा। इधर एक दो बार हम चेक करने का कोशिश करेंगे, और अगर मारना चाहे तो सभी लोग, तो फिलहाल उन लोग गए जंगल पे लकड़ी वगैरह लाने के लिए, और हमने सारा जुगाड़ लेकर आया पका के खाने के लिए। अरे तीर सब कहाँ रखते हैं यहाँ पर, हो जाएगा हो जाएगा। तो काटने के लिए कुछ लाया नहीं मछली?
हम लोग का साथ आगे खाने उठने का बात करते हैं। काटेगा कैसे इसको? ऐसे डायरेक्ट पकाएगा? सापा हो जाएगा इसे, देखना ना, बना देगा ना। साफ करने का जुगाड़ देखो, मैं जो तीर लेके आया था इसका कुछ तो काम आया। अभी इसे मस्त स्किन साफ कर रहे हैं, उसके बाद इसको डायरेक्ट पका देगा। लेदा वेदा डायरेक्ट खा देगा क्या? पेटू सेटू सब खा देगा। मजा से साफ हो जा रहा है, एक यहाँ पर साफ हो रहा है और एक यहाँ पर। हाथ कपड़ा तो उससे और सही से स्पीड काम होगा ना, वाइब्रेट करेगा तो जल्दी जल्दी होगा। मछली देखने का जोश में तो कहां घुस गया, फिर घुसने नहीं सही है। पूरा काला देख के जा रहे हैं हम, अचानक से इसे इतना बड़ा बड़ा दिखाई मिला है, अचानक से उसका सबका मम्मी टू का जैसे निकल के आ गया इधर। अरे इसको ही देखा बोला, हम डायरेक्ट मार ही दिया था। पूरा खोड़ी का स्टाइल में ना। अरे एक टा कहाँ है? ओ चार हो गया ना, इसमें भी दो अटकाना पड़ेगा ना। कहाँ? और एक कहाँ है? ओके फिर यहाँ में। ओ हम तो सोचा गायब हो गया। ये अभी कहीं गायब नहीं है, सीधा पेट के अंदर जाने से ये गायब हो गया। लेकिन हमारे मानना पड़ेगा रे, घूमने का साथ है भाव भूल वो तो। उसके बाद में मिर्ची को लास्ट में लेके कूट के खाना पड़ेगा। देखो चटनी बनाने का कोई जगह नहीं मिला, नदी के एकदम किनारे में पत्थर मिला, उसी में एकदम मस्त चटनी बना रहे। काफी ज्यादा मजा, पूरा एडवेंचर वाला फील आ रहा है। सिर्फ तीन लोग हैं, तीन लोग में हमने इतना ज्यादा एंजॉय किया ना भाई, मजा आ रहा है। तो यहाँ पर अपना चटनी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, वहाँ पर अपना फिश भी रेडी होने वाला है। तो अभी मैं जल्दी से एक दो कोल पत्ता तोड़ता हूँ और उसमें जाके मछली को जो पक जाता है वो रखता हूँ। पूरा पकड़ लिया ना। रो रो इसको थोड़ा लग देते हो जाएगा ना मुझे। हाथ तो धो लेगा। यहाँ पर हम लोगों के पास चार है, पूरा मस्त से हमने आग में पकाए। और यहाँ पर देखो रेड चिल्ली नमक, और अभी हम लोग चार नहीं तीन लोग है। शाहिल अमर नहीं, सुपरमैन फिशरमैन। सुपरमैन फिशरमैन। तो यहाँ पर अभी हम लोग बैठ के मजे से खाएंगे। ये देखो क्या मस्त से पका भी आया, पूरा लैंडिंग करने का जगह, पूरा यहाँ पर ऑयल ऑयल हो गया, पूरा मजे से पका है। तो अभी हम लोग बैठ के एकदम मजे से खाएंगे। ऊंचा करना है नीचे तो तभी से हो जाना था। रुको रुको, ये बैग रखेगा, ट्राइपॉड बनाएगा हम लोग। चलो बहुत दिमाग लगा। भाइयों बहनों हमें मछली खाना नहीं पसंद, फिर भी आज हम इतना प्यार से मारे तो खाना तो बनता है ना भाइयों। भाइयों वाह वाह, एकदम सही में मस्त पका है। नमक भी मस्त है। रेड मिर्चा तो देख के डर लग गया हमको। खा लेना, कितना पानी चाहिए? हम तो नदी बह रहा है। खाने से पहले मिर्चा का ना धुआं, जो भाप धुआं रहा है उससे डर लग जा रहा है। हाँ ना, मिर्चा बहुत खा रहे हैं हम, इतना नहीं खा पाते। मजा लग रहा है। पर एक चीज हम बता रहे हैं, पता है जो चीज हम लोग ज्यादा ध्यान से नहीं बनाते ना, मतलब मस्ती मस्ती में बनाते ना, वो चीज हमेशा अच्छा ही बनता है। चलो चड्डी मैन का पावर है ये सब। सुपरमैन सुपरमैन फिशरमैन।
आज का दिन तो काफी ज्यादा मजेदार रहा एंड फिलहाल हम लोग मछली वगैरह सब कुछ खा के साफ सफाई करके अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो अपना जो साइकिल वगैरह था ना सारा उस तरफ फेंक रहा था, सोचा था कोई उठा के ना ले जाए। हम लोग के लिए तो पल्सर ही है। चले भाई कुछ सामान भूला नहीं हो, तीर वगैरह और ठीक। हाँ इतना ही है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। और काफी ज्यादा मेहनत लगा आज का इस वीडियो बनाने में और ठंडा भी बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी रात को कौन टॉफी खरीद के देगा, कल सुबह खरीदेगा। तो आज का ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बड़ी पड़ी कर रहे, टेक केयर गुड नाइट बोलो, गुड नाइट परी बोल दिया आज मेरे वीडियो में। बाय बाय।